हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार में आज रैलियों का सुपर संडे है। देवभूमि में पीएम मोदी जहां आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रचार की कमान पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह संभालेंगे। आज रविवार को अमरिंदर सिंह की हिमाचल में 2 रैलियां होनी हैं। राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस के खिलाफ पीएम मोदी ताबड़तोड़ चुनावी अभियान में जुटे हैं। इसी फेहरिस्त में आज प्रधानमंत्री ऊना, पालमपुर और कुल्लू में बीजेपी की चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी संडे को सबसे पहले ऊना में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कांगड़ा जिले के पालमपुर में लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री का कुल्लू जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज नाचन विधानसभा क्षेत्र से कन्नेड़ में दोपहर 2 बजे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में रहन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कल सोमवार को भी कैप्टन अमरिंदर सिंह हिमाचल में कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। वहीं कल सोमवार को ही पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों के लिए 9 नवंबर को वोटिंग होगी। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने 26 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस को 36 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी का लक्ष्य राज्य में सत्ता विरोधी लहर का लाभ उठाकर 50 सीटें जीतने का है। बीते शनिवार को पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने शाहपुर और सुंदरनगर में कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस दीमक की तरह है और यह देश की जड़ों को खोखला कर रही है। अब इस दीमक के सफाई का समय आ गया है। कांगड़ा जिले की रैलियों में पीएम मोदी ने भाजपा को 3/4 सीटें दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र में आने पर जो उन्होंने वादे किए थे, वे एक एक करके पूरे किए जा रहे हैं। उनकी प्राथमिकता देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर आम आदमी को राहत दी जाए, ऐसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में अपनी हार मान ली है, क्योंकि उसके वरिष्ठ नेता राज्य में चुनाव प्रचार से दूर हट गए हैं और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को उनके भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया है। उन्होंने 9 नवंबर को हो रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा को 3/4 वोट देकर कांग्रेस को मिटा देने का लोगों से अपील किया है।